अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, हिंदुस्तान में हिंदू सरकार ने अजान पर पाबंदी लगाने का दावा किया है। आप अगर मुसलमान हो तो मेरी एक बात ध्यान से सुनना। हम हर वक्त अल्लाह की नाराजगी करते हैं, किसी का नंगा फोटो शेयर करते हैं, लड़कियों की नंगी तस्वीरें शेयर करते हैं, नंगी वीडियो शेयर करते हैं, लेकिन हमारे पास अच्छा मैसेज आगे करने का वक्त नहीं। आज मेरी बात सुनना, कहीं अल्लाह ताला इसी मैसेज से हमसे राजी हो जाए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अच्छी बात सुनकर दूसरे तक पहुंचाना एक कुरान पाक पढ़ने का सवाब है, एक मसला सुनकर दूसरे तक पहुंचाना एक कुरान पढ़ने का सवाब है। इसलिए आप इस मैसेज को इतना शेयर करना ताकि हिंदू सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए और हिंदू सरकार ये जान ले कि मुसलमान जब तक जिंदा है तब तक इस हिंदू का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हिंदू सरकार ने अंग्रेज में एक मस्जिद को बंद करवा दिया, उससे इल्मे गैब से अजान की आवाज आज भी आती है। जिन लोगों को ये पता नहीं, वो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हा एक जमाने में मदीना में अजान दिया करते थे तो उन पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो उस दिन सुबह की अजान नहीं, हर एक आदमी ने अजान दी, सुबह नहीं हो रही थी। फिर हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जब अजान दी थी उस वक्त सुबह हुई थी। मुसलमानों, ये हमारी इज्जत का सवाल है, तुम्हें उस पैदा करने वाले का सवाल है, तुम्हें उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता। तुम इस मैसेज को जरूर अपने दोस्तों को सेंड करना, इतना सेंड करो ताकि ये घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। अपने दोस्तों को एक बार नहीं दो दो बार सेंड करो ताकि ये हिंदू सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए और हमको मान ले कि ये पक्के मुसलमान हैं, हम देश के गद्दार नहीं हैं। याद रखो, हिंदू का साजिश को कामयाब ना होने दो, तुम्हें मुसलमान कहा जाएगा।